जब भी हम सोनभद्र की साहित्यिक जमीन की बात करते हैं और सोनभद्र में मौजूदा साहित्यकारों की बात करते हैं तो कुछ नाम हैं ऐसे जो बिल्कुल जाने पहचाने लगते हैं और कुछ नाम ऐसे भी हैं जो जाने पहचाने तो हैं लेकिन वे अपने आप को लो प्रोफाइल में रखते रहे हैं लगातार और उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो क्या कर रहे हैं। वो एक तरह से मैंने खामोश होकर अपना काम करते रहे हैं। ऐसे ही एक साहित्यकार हमारे अमरनाथ अजय जी हैं। आज हम उनके आवास पर आए हैं और हम चाहते हैं कि उनकी कहानी लोगों तक पहुँचे, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और वे बताएंगे कि किस तरह से उनकी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँची है। अमरनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इधर सर, मेरा जन्म ग्राम खोराडी जिला मिर्ज़ापुर में हुआ। बचपन मेरा वहीं पर गुजरा और वहीं प्राथमिक विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई और बहुत ही कठिनाई में हमारा बचपन गुजरा। उस समय 67 का सूखा पड़ा हुआ था। हमें याद है कि हम लोग जो है जाते थे कटोरा लेकर के, बाहर से आता था खाना पीना, वो बनता था, बनाते थे और हम लोग जो है उस समय दुर्भिक्ष की स्थिति में हम लोग कटोरा लेकर के वहाँ पर लाइन में लग जाते थे और दूध और कटोरा ये सब क्या क्या जो है उसमें बढ़ता था तो हम लोग खाते थे। और इसके बाद जो है जहाँ तक पढ़ाई की बात है, प्राइमरी विद्यालय खोराडी में पढ़ाई हुई। पढ़ाई के समय भी कुछ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की भावना वहाँ पर थोड़ा होती रही है, फिर भी पढ़ाई हुई। वहाँ से प्राइमरी पास हो जाने के बाद कक्षा 6 में मेरा एडमिशन खैरपुर जूनियर हाई स्कूल में हुआ। वहाँ पर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक मेरी पढ़ाई हुई। इसके बाद हाई स्कूल में पढ़ने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य इंटर कॉलेज मधुपुर में, जो उसका ये परिवर्तित नाम है, वो पहले आदर्श इंटर कॉलेज के नाम से था, वहाँ पर पढ़ाई हुई। फिर इंटरमीडिएट के लिए राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज रावर्सगंज में आए और यहाँ पर इंटर की पढ़ाई हुई। इसके बाद बीए करने के लिए हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गए। वहाँ पर एक पूरा क्षेत्र आसमान मिला पढ़ाई के लिए। वहाँ पर बहुत से साहित्यकारों से मुलाकात हुई। वहाँ पर एक साहित्यिक वातावरण तैयार हुआ जिसमें हम लोगों ने जो है एक रचना साहित्यिक संस्था बनाए थे हम लोगों ने मिलकर के, और चक्रपाणी भट्ट थे जो पंडित बालकृष्ण भट्ट के पोते थे, वो हमारे मित्र थे बनारस में, और हम लोगों ने एक साहित्यिक संस्था रचना बनाए। उसमें हम लोगों ने उस समय जीवित थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हम लोगों ने वहाँ पर बुलाया और वो उनकी अध्यक्षता में हम लोगों की वो गोष्ठी हुई। वहीं पर हमने जो है श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से आशीर्वाद लिया तो उन्होंने कहा, बेटा कभी भी लिखना पढ़ना मत बंद करना, ये तमाम तरह के झंझावात जीवन में आएंगे लेकिन कभी घबराना नहीं, अगर साहित्य की दुनिया में तुमने कदम रख लिया है तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। तभी से मैंने जो है अपने प्रचार प्रसार के लिए कभी नहीं सोचा, लेकिन लिखने पढ़ने में मैंने ईमानदारी से लिखना पढ़ना हमेशा मेरा आज तक बना हुआ है और करीब 3-4 पुस्तकें साहित्य की मेरी आ चुकी है और समीक्षाओं की पुस्तक भी आई हुई है लोक का आलोक नाम से, डॉक्टर अर्जुन दास केसरी की पूरी समग्र साहित्य पर समीक्षाएं मैंने लिखी है, उस पर एक पुस्तक आई हुई है और जो है लोग इसके अलावा राजपथ पर साहित्य की एक पुस्तक आई हुई है रचना संसार की, और भी कई पुस्तकें जो है आई हुई है। ये मेरे जो है साहित्य की यात्रा की ये बातें हैं। बचपन से कुछ डिस्क्रिमिनेशन आपने झेला, वो क्या डिस्क्रिमिनेशन? उसमें बचपन में ही मैंने देखा कि ये स्थिति मैंने देखी कि
जो सवर्णों के बच्चे थे एक अलग लाइन में बैठाए जाते थे और जो दूसरे अदर कास्ट के बच्चे थे अब दूसरे लाइन में बैठाए जाते थे। और इसके अलावा जो थोड़ा गांव का प्रमुख आदमी जो था उसका बच्चा एकदम चौकी पर बैठ करके अलग से बैठता था, तो मैंने जो है प्रश्न किया गुरुजी से इस पर, तो उन्होंने हमें डांटा, लेकिन बाद में हमें समझाया कि बेटा जो है ये स्थिति है, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह की बात है। फिर दूसरी बात ये भी मैंने देखी कि एक बार जो है सवर्णों के बच्चे सब उधर से आ गए, सब डंडा वंडा लेकर के किसी बात पर के, आ इधर से अदर कास्ट के लोग पहुंच गए और मार पीट, जैसे कि महाभारत का जैसे युद्ध हो, तीर धनुष उस समय लगे सब चलाने, क्या क्या सब बहुत कुछ बड़ा इस तरह की स्थिति रही उस जमाने में। यह डिस्क्रिमिनेशन क्या आगे भी कहीं ना कहीं आप महसूस करते रहे? बिल्कुल, ये हमने अला बनारस में पढ़ते समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो इसका वातावरण नहीं दिखाई पड़ा, नहीं देखने को मिला, लेकिन रावर्सगंज में मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से रह रहा हूँ और यहाँ की साहित्यिक आयोजनों में, साहित्यिक गोष्ठियों में मैं शरीक हुआ करता हूँ, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ये देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी मन में थोड़ा दूसरी तरह की बात आती है मेरे मन में कि नहीं जाना चाहिए गोष्ठियों में, लेकिन मैं जाता हूँ, मजबूरी है, हर तरह के लोगों से साक्षात्कार होता है और कुछ लोग डिस्टर्ब भी करते हैं बीच में अगर कविताएं पढ़ते हुए, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये जो है कुछ दूसरे तरह की कविताएं लिखता है, प्रयोगवादी कविताएं लिखता है, ये कुछ इस तरह की बातें होती है जिससे इन लोगों को एक जोलियस की भावना होती है। बहरहाल ये तो इस तरह से मेरी जो है जीवन की साहित्य की यात्रा चल रही है, अभी चल भी रही है। मैंने जाति व्यवस्था वाले एक समाज से आपकी जद्दोजहद लगातार चलती रही। हाँ बिल्कुल, ये तो हमेशा कंटिन्यू इसका सामना हमको करना पड़ा है, साहित्य में भी, समाज में भी, और यहाँ तक कि गांव में भी। गांव में भी हमने जो है वह वातावरण देखा अपने गांव में कि कुछ ब्राह्मण आते थे और इतना वो लगता था कि तपे हुए हैं कि किसी कोई भी व्यक्ति अगर चारपाई पर कुर्सी पर बैठा है तो खड़ा होकर के पाला की सरकार शुरू कर देता था, अगर कोई बैठा रह गया तो उनके मन में इतनी दुर्भावना हो जाती थी उस व्यक्ति के खिलाफ। अच्छा, आप जब मिर्जापुर से सोनभद्र आए तो सोनभद्र में आजीविका का क्या आपके साधन था? हाँ, सबसे वहाँ से जब आने के बाद तो हम रावर्सगंज में के आने से पूर्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाद हम जो है कई हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीएड करने चले गए। वहाँ पर 1977 में बीएड मेरा पूरा हुआ। अब बीएड हो जाने के बाद मैं एक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए चला गया, नगाँव पढ़ता है रामगढ़ की तरफ। वहाँ पर भी इस तरह की भावना हमको देखने को मिली और शोषण की भावना थी बच्चों में, और पढ़ाते भी एक ठाकुर साहब के का विद्यालय था हाई स्कूल का, तो वहाँ मैं पढ़ाता था, तो कुछ बात को लेकर के थोड़ा हमारा स्वाभिमान हमेशा आड़े आता रहा, तो कुछ बात हो गई तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आपके विद्यालय में अब नहीं पढ़ाऊँगा। अंत में हमारे साथ जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो भी कह दिए कि जब आप नहीं पढ़ाएंगे तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, और हम दोनों लोग छोड़ छाड़ करके वो विद्यालय फिर चले आए। और रावर्सगंज में आ करके मैंने खुद का अपना एक विद्यालय तुलसी विद्या मंदिर खोला। यहाँ पर एक उस तरह के बच्चे थे, एक बिल्कुल जो है विपन्नों का परिवार है, यहाँ पर आ करके एक विद्यालय खोला बड़ा कम फीस में, जितना में हमारी जीविका चल जाए, बच्चों को इकट्ठा करके पहले ट्यूशन पढ़ाते थे, इसके बाद में एक विद्यालय मैंने खोला तुलसी विद्या मंदिर के नाम से, और वो विद्यालय बहुत ही बढ़िया आगे तक
गया जूनियर हाई स्कूल तक, बहुत बच्चे हुए, आज भी हमारे पढ़ाए हुए बच्चे मिलते हैं तो बड़ा ही हमें कहते हैं कि नहीं आपके कार्यकाल में तुलसी विद्या मंदिर में हम लोग पढ़े हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाई होती थी। बाद में चल करके विद्यालय वो टूट गया तो पारिवारिक झंझट की वजह से गांव चले गए हम और यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था, विद्यालय टूट गया। लेकिन इसके बाद वही जो मेरा अपना मकान था जिस पर जहाँ विद्यालय मेरा तुलसी विद्या मंदिर चलता था उसी को मैंने बनवा दिया है। अब बनवा करके उसी में मैं आज मेरा अपना आवास है। अच्छा, साहित्यिक रूप से आपने कैसे शुरुआत की, कविता से की या आलोचना से की, किस तरह से शुरुआत हुई? शुरुआती दौर में मैं कविताएं मैं लिखता था। जब इंटरमीडिएट कॉलेज में रावर्सगंज में पढ़ता था तो मेरे मेरा एक जुनून ऐसा था कि प्रतिदिन मैं एक कविता लिखता था और लिख करके जाता था, खाली बोर्ड था उस पर मैं लिख देता था वो कविता और नीचे अपना अमरनाथ अजय नाम लिख देता था। तो उस क्लास में सबसे पहले जो टीचर जाते थे तो उसको पढ़ते थे। अब पता नहीं क्या उनकी प्रतिक्रिया रही होगी, एक दिन उन्होंने बुलाया हमको कि अमरनाथ अजय कोई है, ज़रा देखो कौन है, किस में रहता है, इस क्लास में किस वर्ग में है। तो बुलवाए हमको, तो वो आदरणीय राय साहब थे, तो उन्होंने कहा बेटा तुम कविता तुम्हारी लिखी हुई है बोर्ड पर? हमको हाँ हमने तो लिख दिया है गुरु जी, क्या बात है। कहें ठीक है, इस तरह से बोर्ड पर कविता नहीं लिखना चाहिए, तुम कहीं लिखा करो छपने के लिए, वैसे तुम्हारी कविता अच्छी है, हम रोज़ पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ रहता है तो कविताएं अच्छी हैं, अब इसको कहीं छपने के लिए भेजा करो, ठीक है अब इस तरह से बोर्ड पर कविताएं मत लिखना। तो छपने की शुरुआत कहाँ से? हाँ, छपने की शुरुआत मेरी हुई जब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गए, वहाँ पर कला संकाय में एडमिशन मेरा हुआ। तो उस समय आज अखबार का साप्ताहिक आज अखबार उस समय छपता था जी। और अवकाश के नाम से? हाँ, अवकाश। तो हाँ, तो वो जो है छपता था, तो उसमें हम कविताएं हम लिखने लगे और कविता जब उसमें छपने लगी तो हमारा उत्साह और बढ़ने लगा। पहली कविता उसमें मेरी जो छपी थी सपने नाम से थी, वो अभी भी हमको याद है। उस कविता का नाम सपने, देखता हूँ रात भर सपने, कुछ उनके कुछ तुम्हारे और कुछ अपने, जिंदगी का कर्म लेखा सारी रात जोखा, सुबह उठकर देखा तो आधा से अधिक गायब, जो भी बचा शेष बस दोपहर तक पहुँचा, जैसे किसी सत्य को झूठ निगल बैठा, अतीत भूल जाता वर्तमान, अतीत भूल जाता वर्तमान क्या कमीना, अतीत भूल जाता वर्तमान ये कमीना, क्या यही है जिंदगी और जीना। और इसके बाद कविताओं का सिलसिला मेरा चलता रहा, हमेशा लिखते पढ़ते रहे। तो संकलन आपके कब आए? मेरा संकलन तो काफ़ी बाद में आया, वो थोड़ा आर्थिक परिस्थितियां जो है अनुकूल नहीं थी। लिखता रहा, गोष्ठियों में जाता रहा और अपना जो है कविताओं का संकलन कापियों में अपना तैयार किया था। सन 2012 में मेरा पहला संकलन आया था और उस संकलन का नाम है राजपथ पर, तो काफ़ी सराही गई वो संकलन की कविताएं। इसके बाद दूसरा संकलन आया और उसके बाद जो है लोक का आलोक समीक्षाओं की पुस्तक आई और क्रांतिकारियों पर भगत सिंह पर एक पुस्तक आई क्रांति पथ पर नाम से, वो भी काफ़ी सराही गई। तो इस तरह से चार पांच पुस्तकों का मैंने अब तक जो है निर्माण ये रचना की है। अभी भी तीन चार ऐसी हैं जो कि पांडुलिपियाँ पड़ी हुई हैं, धीरे धीरे उसको प्रकाशित कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आलोचना की तरफ आप गए तो कवि का आलोचक होना क्यों जरूरी हो गया? ये आलोचना
का कोई मैंने जो है ये कुछ है, ऐसा सोच करके आलोचना के क्षेत्र में नहीं आए कि किस विधा की आलोचना हो, लेकिन यह है कि अचानक जब कुछ मैंने सोचा कि चलिए ये कविताएं तो लिख ही रहा हूँ, इसके साथ साथ कुछ विधा को ज़रा बदल करके भी कुछ काम किया जाए, तो कुछ पुस्तकें हमारे यहाँ आई, तो मैंने ये सोचा कि पुस्तकों का अध्ययन तो मैं करता हूँ लेकिन उसके नोट्स तो तैयार करता नहीं, तो अगर समीक्षा अगर लिखी जाएगी, समीक्षा लिखना अगर मैं शुरू करूं, तो समीक्षा लिखने के लिए मैं गंभीरता से उस पुस्तक को पढ़ूंगा और उसके तथ्य जो होंगे उसके मैं उसको नोट करूंगा, तो इससे जो हमें ये फ़ायदा होगा कि उस पहली बात की किताब को मैं गंभीरता से पढ़ लूँगा और उसको लिखने की एक विधा समीक्षा है वो उसको मैं लिखूँगा, तो और थोड़ा सा लिखनी मेरी जो है मजबूत होगी, लिखा जाएगा उस तरह से। ये जो आपका साहित्य सृजन है इसको रिकग्नाइजेशन कहाँ कहाँ मिला, कहाँ आपको प्रोत्साहन मिला, कोई सम्मान पुरस्कार मिला? वही बताया मैंने ना कि सम्मान पुरस्कार की एक अलग वो हो गई है आज के ज़माने में। साहित्य जो कई बार मैंने जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में भी अपनी पुस्तकें भेजी थी, लेकिन वहाँ पर कोई सम्मान वगैरह ऐसा नहीं मिला, और बल्कि ना पांडुलिपियाँ मैंने भेजी थी एक दो, तो वहाँ से प्रकाशित हुई थी, कुछ आर्थिक मदद मिली थी। हाल एक दिल्ली की संस्था थी उसने मुझे सम्मानित किया था मेरी कविताओं को पत्रिकाओं में पढ़ करके, उसने जो है मेरी कविताओं को पत्रिका में पढ़ी, वो लाल बहादुर साहित्य संस्थान था, उसने जो है पत्रिका में मेरी कविता पढ़ी और कविता उनको अच्छी लगी, उस पते पर हमको उन्होंने सूचित किया और उन्होंने कहा कि आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं, फला तारीख को फला जगह पर आ जाइएगा, तो मुझे बनारस में उन्होंने बुलाया था, वो जो है कौन है सिगरा पर, तो वहाँ पर उन्होंने बुलाया था, मुझे सम्मानित किया था, बस वहीं हम सम्मानित हुए। इसके बाद और छोटे मोटे संस्थाओं में यहाँ पर होते रहे हैं। गांव मैंने सामाजिक जीवन में डिस्क्रिमिनेशन को झेलना बहुत दर्दनाक अनुभव होता है, और स्कूल में झेलते हुए लोग शायद उसको भूल जाते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के सामाजिक जीवन में यह झेलना वास्तव में दर्दनाक होता है और आदमी के भीतर एक विद्रोह भी पैदा होता है। इसको इस अनुभव को रचनात्मक रूप से ढालने के लिए आप कुछ लिख रहे हैं? बिल्कुल, इस पर मैंने जो है कई कहानियां मैंने लिखी हैं और कविताओं में इसको मैंने जो है इसका प्रयोग मैंने किया हुआ है, और इसके साथ साथ उसके साथ साथ नक्सल का जो बढ़ावा हुआ, नक्सली जो 67 बाद में जो वहाँ नक्सलियों का जो बढ़ावा हुआ, तो उस पर भी मैंने जो है कई कविताएं लिखी, क्यों ऐसा होता है, तो इस पर भी मैंने कलम चलाई है। जो इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ जो आपका पूरा आउटलुक है, जो पूरा वो है, मुझे लगता है कि आपको अपनी आत्मकथा की तरफ जाना चाहिए, आपको क्या लगता है, जाना चाहिए? हाँ, मैंने सोचा है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा, हालांकि एक लड़की है वो डिग्री कॉलेज की, उसने एक लघु शोध हमारे ऊपर किया है, पूरा सारी चीज़ें जो जीवन की हैं वो सारा कुछ पूछ करके उसने किया है, और मैंने भी सोचा है कि मैं एक अपने अपनी जीवन के विषय में जो संघर्ष रहा है आत्मकथा में लिखूंगा, अगला पड़ाव उसी पर जाएगा। मैं एक आखिरी सवाल, सोनभद्र अभी बहुत उस तरह का अगर कहा जाए कि साहित्यिक रूप से चमकता हुआ शहर नहीं है, किनारे का शहर है, लेकिन चाहे शहर किनारे का हो चाहे मुख्यधारे का हो, उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्रीम बन जाते हैं, तो ऐसे तथाकथित क्रीम बनने वाले लोगों के बीच में
आप अपनी जगह को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, वो असल में देखिए मैंने पहले ही बताया ना कि इस तरह का भेदभाव हमें हमेशा झेलना पड़ा है, साहित्य की दुनिया में भी मुझे झेलना पड़ा। तो मैं जो है वो जो बातें इस तरह की हैं मेरे मन में रहती हैं, मैं उसको कभी उजागर मैंने नहीं किया। मैं जाता हूँ, अपनी कविता पढ़ता हूँ, लोग हूट करें चाहे डिस्टर्ब करें चाहे कुछ भी करें, मैं कविताएं पढ़ता हूँ, पढ़ करके अपना जो है अपने काम में लग जाता हूँ। हम एक चीज़ है कि मैंने अपने को प्रचारित करने का कभी नाम नहीं लिया। आज मैंने आपको बताया कि हमारे ऊपर शोध भी लग शोध भी हुआ है, नहीं तो मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो लिखा पढ़ा है उसी की कीमत है और उसी से मेरी पहचान है। और जो तमाम तरह की गोष्ठियों में कविताएं पढ़ते हैं फिर नाम प्रचारित करते हैं और बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं उसमें, तो मैं जानता हूं कि वो गिरेंगे ही, तेज़ी से दौड़ेंगे, तो मेरा धीरे धीरे अपना चल रहा है। शहर में कौन लोग हैं जो आपके बहुत नज़दीक हैं, जो जिनके आप शहर में साहित्यकारों में ख़ास तौर से रामनाथ शिवेंद्र हैं जिनसे थोड़ा साहित्यिक लगाव मेरा पहले से है, इसलिए कि इनके यहाँ कुछ मुख्य धारा का जो साहित्य आज रचा जा रहा है उससे जुड़े हुए हैं, तो उनसे मेरा संपर्क बना रहता है। वहाँ पर मैं बैठता हूँ उठता हूँ, नई नई चीज़ें जो पत्रिकाएं आती हैं उससे भी हमने भी सन लगभग सन 2004 से और हंस पत्रिका और भी तमाम जो तीन चार पत्रिकाएं हमेशा मैं मंगाता था पढ़ता था, तो इस पढ़ते हुए वहाँ पर भी कुछ पत्रिकाएं हमको रामनाथ शिवेंद्र के भी के यहाँ भी मिल जाती थी पढ़ने के लिए, तो हमारी उनसे थोड़ा चर्चा साहित्यिक हो जाती है। और यहाँ पर रावर्सगंज में कोई साहित्यिक व्यक्ति अगर है तो एक हैं डॉक्टर अर्जुन दास केसरी जिनसे मेरा घनिष्ठ संबंध है, वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं और छोटे भाई की तरह हमें सम्मान देते हैं। अक्सर मैं वहीं उनकी दुकान पर बैठते हैं हम और वहाँ पर हमारी और उनकी ज़्यादा वार्ता होती है, और वो बहुत ही सच्चे और सरल इंसान हैं। उस तरह के व्यक्ति हमें देखने में बहुत कम मिलते हैं, और निश्चित हुए एक जो है बहुत ही जितना बढ़िया साहित्यकार हैं उतना सरल है।